हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। सवाल है टैली प्राइम में होने वाली एक बहुत बड़ी गलती का। अब वो गलती क्या है उसको समझेंगे। यहाँ पर एक कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है और ये कंपनी है इंडियन शॉप के नाम से। और जब भी आप क्रेडिटर और डेटर पार्टी की एंट्रीज करते हैं तो वहां पर ये कंफ्यूजन होना लाजमी है। और वहां पर ये कंफ्यूजन अगर हो गई और आपने गलत एंट्री पास कर दी तो समझिए कि सब बेकार हो जाएगा। यानी अगर आपने टैली में ये एंट्रीज ठीक से नहीं करी तो सारी चीजें बेकार हो जाएगी। अब कैसे होगा, क्या होगा, ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बिल मिलता है, ठीक है, आप होलसेल में सामान लाते हो तो बिल मिलता है। जब बिल मिलता है तो उस बिल की एंट्री आप परचेज में पास करते हो भाई, कि भाई कितना कितने का क्या सामान रहा, हमारा परचेज रेट क्या रहा, ठीक है। तो मान लीजिए 31 मई के ही डेट में हम ये कर रहे हैं और हमारी क्रेडिटर पार्टी एक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ महेश होलसेलर, होल सेलर ये कर दिया हमने, एंटर किया और इसका ग्रुप होता है सन्डरी क्रेडिटर, ठीक है। ये सब कुछ सही रहा, एंटर किया एंटर करते हुए इसे करा लिया एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये तो एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पर इसको भी एंटर करके आप एक्सेप्ट करा लेते हैं, ये सब काम तो हो जाता है। यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर भी आ जाता है और यहाँ पर वो आइटम्स आएंगे जिन आइटम्स की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप है तो 10 डेस्कटॉप जो है परचेज किया गया, कितने के रेट से, तो खरीद रेट रही 29,000। कितनी, 29,000 के रेट से खरीद रेट रहा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो जीएसटी वगैरह आता है वो जीएसटी वगैरह आ जाएगा, तो ये हो गया सीजीएसटी, ये हो गया एसजीएसटी। सेम स्टेट का मामला है तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगता है। ये लेजर्स पहले से मैंने बना रखे हैं। अब एंटर करके यहाँ पर नरेशन डालना जरूरी होता है। तो यहाँ पे द गुड्स हैव बीन परचेज किया जा रहा है तो परचेज ही लिखेंगे भाई, परचेज ही हो रहा है ऑन क्रेडिट और उधार में हो रहा है तो इसीलिए ऑन क्रेडिट, ठीक है। एंटर कर दिया तो ये एक्सेप्ट हो जाता है। अब एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पर सारा जो है काम है वो एक्सेप्ट होने के बाद शुरू होता है। तो देखिए, अगर आपने परचेज किया, ठीक है, तो आप पेमेंट रिसीव नहीं करते हैं, पहली बात ध्यान दीजिएगा। अगर आप रिसीविंग के लिए चले जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पेमेंट ही करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपने रिसीव कर लिया तो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। F6 नहीं करना आपको, क्या करना है आपको, जब भी करना है तो F5 करना है, क्योंकि इनका पेमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट की एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी कि आपने कितना रुपया दिया इनको, ठीक है। तो यहाँ पेमेंट में आएंगे और पेमेंट में आने के बाद यहाँ पर वो हमारी जो क्रेडिटर पार्टी है, जो भी हमने लिया था महेश करके, ठीक है, तो यहाँ महेश क्रेडिटर जो था, हमारी क्रेडिटर पार्टी जो थी, तो ये वाली क्रेडिटर पार्टी थी हमारी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुल इनका बकाया दिखा रहा है कि कितना बकाया है। तो इसमें से कुछ पैसे आपने दे दिए, जैसे मान लीजिए कुछ पैसे ही दिए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पैसे इनको दे दिए, 3 लाख रुपए दे दिए इनको, अगेंस्ट रेफरेंस आ जाता है। एंटर किया तो ये तो एंट्री सही हो जाती है, लेकिन अगर आप इसकी जगह रिसीविंग कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब देखिए नेगेटिव कैश आ रहा है, आपके पास कैश है नहीं, सिर्फ 4,500 रुपए ही है, ठीक है, तो ये भी एक मिस्टेक होती है। तो यहाँ पर इससे बाहर आ जाती है, पहले कैश हम रिसीव कराएंगे उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरी गलती कब होती है, दूसरी गलती तब होती है जबकि आप सेल्स में एंट्री पास कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि परचेज में तो पता है कि आपको पेमेंट करना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, सेल्स में भी पेमेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेल्स में कैसे पेमेंट होगा, देखिए यहाँ पर एक नाम कस्टमर का मैं लिख देता हूँ के, ठीक है, ये कस्टमर का नाम है और यहाँ पर इसका ग्रुप क्या रहेगा, सन्डरी डेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे डेटर ही चूज कीजिएगा और एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये सब एंटर करके और ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, फिर यहाँ पर भी एंटर लास्ट तक आपको एंटर करते ही जाना है, ठीक है। एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कराइए और यहाँ पे सेल्स का लेजर आ जाता है। ये तो समझ में आती है बात। अब यहाँ पे डेस्कटॉप की बात आएगी, ठीक है, तो डेस्कटॉप जो भी हमारा है, तो 10 डेस्कटॉप है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, एक सेल करते हैं, केवल एक, ठीक है। और सेलिंग रेट क्या रही, 40,000 रुपये मान लीजिए रही, ठीक है, सेल हमने इस रेट में किया है 40,000 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 डाल दिया, अब एंटर करेंगे यहाँ पर भी सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा क्योंकि सेम स्टेट का मामला है, तो ये सीजीएसटी आ गया और फिर यहाँ पर एसजीएसटी आएगा, तो यहाँ पे कर दीजिएगा एसजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाने के बाद अब यहाँ पर कंफ्यूजन शुरू होती है, ठीक है, देखिएगा। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ नरेशन, द गुड्स हैव बीन सोल्ड, और यहाँ पर भी उधार में ही हो रहा है, ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको एक्सेप्ट कराया आपने, अब जैसे ही एक्सेप्ट कराया तो सीधा कहाँ चले जाते हैं, पेमेंट में। अब भैया देखिए, पेमेंट में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो के नाम से पार्टी है, ये हमारी कौन सी पार्टी है, ये हमारी
डेटर पार्टी है, तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि आप इसको सामान भी देंगे, भाई डेस्कटॉप इसको बेच दिया तो इसको पैसा भी देंगे क्या? भाई पैसा तो जो पार्टी है वो देगी ना हमको, हमने सामान बेचा तो हमें पार्टी से पैसा रिसीव करना है, और ऐसी स्थिति में हो जाती है दिक्कत। ठीक है, तो जो भी इनका है तो वो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखता है, यहाँ देखिए ये दिख रहा है 42,000, तो ये 42,000 इनके ऊपर ड्यू है केके के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर डेबिट कर देने से गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर आप 42,000 कर देते हैं तो ये हो जाएगी बहुत बड़ी मिस्टेक। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पे आप एंटर नहीं कर पाते, तो यहाँ दूसरा नंबर डाल के या कुछ और करके आप सोचते हैं कि यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस कर देते हैं, और न्यू रेफरेंस करके इसको एंटर करके और किसी भी तरह से इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, और वहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, सारी गलतियां वहीं पे हो जाती है। तो ये नहीं करना है आपको। तो क्या करना है, तो जब भी आपको पेमेंट रिसीव करना है तो रिसिप्ट वाउचर में जाना है। कौन से वाउचर में? रिसिप्ट वाउचर में। अब जैसे ही रिसिप्ट वाउचर में आएंगे तो सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कितना रुपया देना है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 कर देते हैं। ठीक है, ये जो है क्रेडिटर पार्टी जो भी बेच रही है सामान उसको ये 10,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, ये सब एकदम आराम से हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर ये कैश में दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं वो देखना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कैश में दे रहे हैं, ठीक है, हालांकि यहाँ पे नेगेटिव कैश है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। फिलहाल ये वीडियो तो इसलिए है कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि पेमेंट और रिसीविंग दोनों में क्या है। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं एक्सेप्ट नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव कैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है इस तरीके से होगी टैली में। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो सेल्स, परचेज, ठीक है, पेमेंट और रिसीविंग, ये तो एकदम 100% क्लियर रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको टैली 100% समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम चीजें इसी से क्लियर हो जाती है टैली में। और क्या करना होता है, परचेज करना होता है, फिर सेल करना होता है, फिर पेमेंट रिसीव करना होता है, फिर पेमेंट करना होता है, तो यही सब चीजें ज्यादातर जो है काम आती है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए तो पूरी टैली आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। और वैसे भी टैली प्राइम के आने के बाद, पहले ERP 9 था तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो सकती है कि हो रही हो, लेकिन टैली प्राइम जब से आ गया तब से सारी दिक्कतें खत्म हो गई। ठीक है ना, तो चलिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत होती है, ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो तुरंत कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, बना दूंगा या बता दूंगा आपको। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए।